दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गैंगस्टर दीपक बॉक्सर को मैक्सिको से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दिल्ली पुलिस ने अमेरिकी एफबीआई की मदद से दीपक बॉक्सर को गिरफ्तार कर लिया है। दीपक पर हत्या, फिरौती, अपहरण समेत दर्जनों मामले दर्ज है। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर जनवरी 2023 में विदेश भाग गया था। दीपक सोनीपत के गंगोर का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि दीपक बॉक्सर मुरादाबाद निवासी के तौर पर फर्जी पासपोर्ट बनवाकर और मैक्सिको में भाग गया था। गैंगस्टर दीपक बॉक्सर दिल्ली के एक बिल्डर अमित गुप्ता की हत्या के मामले में भी वंचित था। दीपक बॉक्सर पहली बार पुलिस के निशाने पर तब आया जब उसने 2016 में गोगी को पुलिस हिरासत से भगाने में मदद की थी और उस समय गोगी बहादुरगढ़ में दिल्ली पुलिस की हिरासत में था। तो वही 2018 में उस पर मकोका लगाया गया था। दीपक ने ही गोगी को 2016 में हरियाणा पुलिस की कस्टडी से भगाया था। बताया जा रहा है कि दीपक की लॉरेंस बिश्नोई से भी साठगांठ है। देखिए इस टाइम जिनको हम बहुत एक्टिवली चेज कर रहे हैं कोई ऐसा बड़ा गैंगस्टर तो एनसीआर में नहीं है, दीपक बॉक्सर ही था। बाकी दो तीन लोग और हैं जिनका सूचना आई थी कि वो बाहर निकल गए हैं पिछले कुछ महीनों में। अभी तो देखो कितने दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड मिलेगा, मकोका भी लगा हुआ है तो पुलिस कस्टडी रिमांड में काफी चीजें सामने आई। एलओसी भी इसके लिए सर्कुलर भी नोटिस था, एलओसी भी थी। हाँ जी,